हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। एंड गेम के इस सेशन में सभी का स्वागत है। यहाँ पे ये पोजीशन देख रहे हैं आप, जैसे कि ब्लैक के पास 3 पॉन और बिशप, वाइट के पास 2 पॉन और रुक। तो ऑब्वियसली वाइट यहाँ पे जीत सकता है और फिलहाल वाइट टू प्ले है, तो वाइट कैन टेक दिस पॉन ऑल्सो। लेकिन वाइट ने यहाँ पे एक मेटिंग प्लान किया है, चेकमेट की पैटर्न बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लैक की चेकमेट की है। तो ये सबसे पहला स्टेप मैं बताऊंगा, रूक g6। वाइट ने सबसे पहले तो किंग को कंट्रोल कर दिया, किंग बाहर नहीं आए और h3 पे भी पॉन का प्रेशर है। ब्लैक ने a4 किया, ब्लैक चाहता कि ये पास पॉन की थ्रेट वाइट के ऊपर कंटिन्यू रहे। वाइट ने इग्नोर किया है यहाँ पे किंग e3, ब्लैक a3, नेक्स्ट है a2 होगा, तो यहाँ पे किंग f4। अब देखो किंग की जर्नी और रुक के जो मेटिंग अटैक है वो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है a2 और फाइनली रुक g3। यहाँ पे रुक h3 चेकमेट, फोर्स मेट है। ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है, अगर उसने क्वीन प्रमोट कर दी तो भी रूक h3 मेट है। तो रूक h3 सेव करने के लिए बिशप e6 ओनली मूव है, फिर भी मेट इन टू होती है रूक h3 चेक, बिशप टेक्स रूक एंड g3 चेक मेट। बहुत ही ब्रिलियंसी है इस गेम में और ऐसी ऐसी गेम में आपको बताता रहूंगा, आपको ऐसी पोजिशंस बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को जुड़े रहिए चैनल से। दोस्तों ये पोजीशन में आपको कौन विनिंग रखता है? मेरे हिसाब से पहली नजर में हम देखें तो ब्लैक कैन विन द गेम, लेकिन सरप्राइज ये है कि इसमें व्हाइट ने गेम जीत ली है। तो सबसे पहले बिशप और रूक वर्सेस क्वीन, तो 8 पॉइंट्स, 5+3 8 वर्सेस 9, मतलब ब्लैक तो ऑलरेडी एक पॉन अप है, तो इसमें कैसे व्हाइट कैन विन द गेम? पहला मूव दोस्तों आप देख के सरप्राइज हो जाओगे इसमें, रुक c2 सैक्रिफाइस। अब क्वीन टेक्स रुक फोर्स मूव है, क्योंकि क्वीन b8 अगर ब्लैक ने चेक दिया तो बिशप इंटरपोज हो जाएगा और नेक्स्ट गोज एनीवेयर बिशप चेक और बहुत सारे मूव्स व्हाइट के पास स्ट्रांग है, तो रूक एक्सेप्ट करना कंपलसरी है और नेचुरली ये कोई भी फ्री में रूक मिलता है और ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहा है तो क्वीन टेक्स रूक मार देते हैं। उसके बाद यहां से ब्लैक इन जिगजोंग, दोस्तों ब्लैक जिगजोंग में आ गया है, मतलब ब्लैक के मूव्स खत्म हो रहे हैं, जैसे कि बिशप d8 चेक। तो ब्लैक के पास ओनली मूव है g5। उसके बाद व्हाइट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गेम को हैंडल किया है, वेटिंग मूव बिशप a5। अगेन आप देखो इसमें हर एक मूव ब्लैक के हिसाब से कौन सी कौन सी। अगर ब्लैक ने ये पॉन मूव किया तो बिशप d8 मेट है, तो पॉन मूव नहीं कर सकते, तो किंग तो मूव हो ही नहीं पा रहा है, तो ब्लैक को कंपलसरी क्वीन मूव करना पड़ेगा, तो क्वीन c7 चेक भी पॉसिबल नहीं है। यहां पे क्वीन e2, सपोज व्हाइट ने ब्लैक ने क्वीन e2 खेला, देखते हैं, तो यहां पे बिशप c7 वेटिंग मूव। अभी भी ब्लैक जुगजोंग में है, पॉन मूव नहीं कर सकता, अगर पॉन मूव किया तो bd8 चेकमेट है और किंग तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकता, तो ब्लैक रिप्लाई देगा यहां पे क्वीन f2 सपोज, और क्वीन कहीं और जाता है, जैसे कि मान लो कि क्वीन ने c2 से अटैक किया तो सिंपल बिशप g3 चेकमेट। तो यहां पे क्वीन f2 फोर्स है बिशप g3 को स्टॉप करने के लिए। व्हाइट एक और वेटिंग मूव करेगा बिशप d6। बिशप d6
अगेन अगर पॉन पुश किया तो बिशप चेकमेट। ब्लैक ने यहाँ पे, अब ब्लैक कहीं भी जाता है, सपोज ये लाइन छोड़ता है तो यहाँ से चेकमेट हो रही है और क्वीन ई1 जाके ये कंट्रोल रखता है तो फिर पॉन पुश चेकमेट हो रही है। तो ब्लैक यहाँ पे क्या कर सकता है, सपोज यहाँ से मान लो उसने चेक दिया, क्वीन F4 सेक्रीफाइस कर दिया, तब भी G3 चेकमेट है। आफ्टर क्वीन टेक्स G3 बिशप टेक्स क्वीन चेकमेट। तो कई बार कोई हमारे किंग की पोजीशन ऐसी जगह पे होती है जहां पे हमारा क्वीन भी वर्क नहीं कर सकता और एक माइनर पीस से आप गेम हार जाते हैं। इसीलिए किंग की पोजीशन बहुत ही फ्रीली रखनी चाहिए कि आप किंग को मूवमेंट जल्दी कर सके। इस पोजीशन से हमें ये एक पता चल रहा है कि किंग को कभी भी कंजप्टेड एरिया में नहीं रखते। दोस्तों अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो 7 मूव का कैलकुलेशन वाली एक गेम की एंडिंग है। ये देख के आपको बहुत मजा आएगा, वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे व्हाइट टू ब्लाइंड विन, व्हाइट ने ये गेम काफी बढ़िया तरीके से जीती थी। अब देखिए सेक्रीफाइस इसमें कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रुक सेक्रीफाइस, रुक टेक्स नाइट, व्हाइट प्लेड ये रुक टेक्स नाइट। अब नेचुरल मूव रुक टेक्स नाइट तो बिशप टेक्स रुक कंपलसरी है, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैक एक पीस डाउन हो जाता है तो एंड गेम में व्हाइट के फेवर में हो जाएगा। तो बिशप टेक्स रुक फोर्स मूव हो गया। दूसरी मूव व्हाइट ने यहाँ पे की है क्वीन F5 चेक, क्वीन C4 चेक। अब किंग अगर H7 जाता है तो सिंपल क्वीन टेक बिशप और फिर व्हाइट की थोड़ी से चांसेस ज़्यादा है विनिंग की, और किंग बिशप इंटरपोज नहीं कर सकते वरना क्वीन टेक बिशप हो रहा है, और बिशप को सेव करने के लिए फोर्स मूव है किंग B7। आफ्टर किंग B7 वन मोर ब्रिलियंट सेक्रीफाइस बाय व्हाइट क्वीन टेक्स बिशप। अब यहाँ पे किंग टेक्स क्वीन और यहाँ नाइट E5 चेक। आप देख सकते हो डबल चेक है और डबल चेक में किंग के पास ओनली मूव है किंग C5, उसके बाद नाइट D7 चेक विथ फॉर्क। लेकिन व्हाइट को क्वीन वापस नहीं लेनी है, व्हाइट को तो गेम ही विन करनी है यहाँ पे। अब किंग के पास ओनली हो मूव है, ओनली वन मूव है नाइट फॉर्क का, और फाइनल मूव ये सब कुछ आप सोच सकते हो दोस्तों, इतने मूव सोच सकते हो, लेकिन एक बीच में सेकंड लास्ट मूव जो वेटिंग है वो तो कोई भी बहुत ही रेयर केस में सोच सकता है। तो यहाँ पे व्हाइट ने किंग D2 और क्वीन को यहाँ पे नहीं मारा, वेटिंग मूव कर दिया है किंग D2, और उसके बाद ब्लैक रिजाइन क्योंकि ब्लैक के पास कोई मूव नहीं है, वो अपनी क्वीन चलाता है तो पॉन C3 चेकमेट इन वन मूव है, और ये चेक कोई भी पीस से रोक नहीं सकते और किंग के पास कोई स्क्वायर बाहर जाने का नहीं। तो दोस्तों इतनी ब्रिलियंट पोजीशन है, आप अपने दोस्तों को भी ये दिखा सकते हो और सरप्राइज कर सकते हो कि आपको कितना चेस में नॉलेज है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे पोजीशन में आपके सामने लेके आऊँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय गुजरात।